प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अवसर पर भिवंडी वासियों के साथ जनसंवाद यात्रा निकालते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल। हाल ही में लोकसभा 2024 के परिणाम घोषित हुए, उसमें भिवंडी लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने बताया कि भिवंडी लोकसभा का निर्णय आना यह हमारे कार्यकर्ताओं को अनअपेक्षित था, इसलिए मैं 4 जून से लेकर 10 जून तक दिल्ली में था। वहां से आने के बाद लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूं और उन्हें आश्वासन दिला रहा हूं कि होने वाले 2029 के चुनाव में फिर एक बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और इसके अलावा 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव और नगरपालिका के चुनाव में भी सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करें, इसकी समझ कार्यकर्ताओं को दी है। लोकसभा 2024 के परिणाम जब भिवंडी लोकसभा के जाहिर हुई तो शाहपुर के हमारे कार्यकर्ताओं को वह परिणाम अनपेक्षित था, इसलिए उसने अपने घर में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दी। इसी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा है कि मैं शाहपुर के मेरे कार्यकर्ता के घर पर गया और उनके परिवार वालों से मुलाकात की और मेरे कार्यकर्ता जिसने फांसी लगाई थी उनके घर में 2 उनकी बेटी और 1 बेटा है, उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और हमारी पार्टी उठाएगी, उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसा आश्वासन मैं उनके परिवार वालों को देता हूं। क्षेत्र का जो रिजल्ट आया वो अनपेक्षित था, सभी कार्यकर्ता सदने में थे, एक कार्यकर्ताओं को सदने से बाहर निकालने के लिए, मैं तो जैसे 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक तो दिल्ली में ही था, जैसे वहां से आया मैंने मेरा प्रवास शुरू किया। आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, भिवंडी से शाहपुर जाऊंगा, शाहपुर से मुरबाद जाऊंगा, कल मैं बदलापुर में था, सैटरडे को मैं कल्याण में हूँ। तो कार्यकर्ताओं को फिर से जोश से आने वाली 2029 की लोकसभा का चुनाव हो, 2024 का विधानसभा का चुनाव हो, महापालिका चुनाव हो, आने वाला जो भी चुनाव है, उस चुनाव में जैसे लोकसभा के प्रचार में कार्यकर्ता पूरे जोश से उतरा था, पूरे ताकत से उतरा था, वही फिर से ताकत से कार्यकर्ता को उतारने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए जनसंवाद यात्रा मैंने शुरू की। और मुझे पूरा विश्वास है, आज जो मेरा स्पीच कार्यकर्ताओं ने सुना, उस स्पीच के वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता जैसे मैं प्रचार का ही भाषण यहाँ पे दे रहा हूँ और चुनाव लोकसभा का हुआ नहीं, और प्रचार के भाषण में जैसे कार्यकर्ता में जोश होता है, वो जोश फिर से एक बार कार्यकर्ताओं में देखने को बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा एक साथी संजय अधिकारी, जिन्होंने ये पराभव उनसे सहा नहीं गया, इसलिए उन्होंने खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर, मैं उनके घर पे जाके आया, उनके परिवार को बोला कि पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, आप चिंता मत करो, उनकी 2 बेटियां 1 बेटा है, छोटे है बेचारे, उनकी शिक्षा हो, उनकी और कोई ज़रूरतें हो तो सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे मैंने कहा है कि उनका उत्तर कार्य होने के बाद वो परिवार के साथ रखिए, उनकी जो भी ज़रूरत होगी उनसे चर्चा करिए, फिर मेरे पास आइए, उसमें से पूरी उस परिवार की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी लेगी और वो परिवार को कहीं पे भी अंतर नहीं है। सर, देखा जाए भिवंडी पश्चिम में कार्यक्रम है और भिवंडी पश्चिम के विधानसभा चुनाव प्रभु और भिवंडी पश्चिम के आमदार दोनों नजर, मुझे नहीं है, मेरे से कोई उनका कांटेक्ट हुआ नहीं, वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, मैं इनको पूछा, उन्होंने कहा कि सीएम साहब को मिलने गए, मेरे से कुछ उनका बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ये तीसरी बार पंतप्रधान बने हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला की ओर से हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब की ओर से जनसंवाद यात्रा का एक नियोजन किया है। आज भिवंडी शहर में उसकी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का आशीर्वाद लेके हमने शुरुआत की है। अच्छा लोगों का रिस्पांस था, कार्यकर्ताओं में जो हार जीत का जो विषय था उसके लिए कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी थी वो दूर करने का काम आज हमारे माजी मंत्री कपिल पटेल साहब ने किया, तो कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगा और कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम आज उन्होंने यहाँ पे उनके भाषण में किया है। तो आज हम खुशनसीब है कि हारने के बाद भी
वैसा ही जोश हमारे जो कि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब में दिखा और कार्यकर्ताओं में भी जोश लाने का काम उन्होंने किया है। तो आज अच्छा यहाँ से मैसेज पूरे भिवंडी शहर में जाएगा ऐसे मुझे लगता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, विशेषतः हमारे अध्यक्ष अर्चल जी पाटिल उनका धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ पे किया और कार्यकर्ताओं को मनो